और बेचारे गरीब लोग हैं, आप कौन से तिल बेच के ले आए नहीं आए। बाटला गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माता बहनों, प्यारे बच्चे, बुजुर्गों, साथियों, आज से 36 वर्ष पहले, आज से 36 वर्ष पहले की याद मुझे आई है। मैं पंडित जी कह रहे थे, बोला जेपी पिछाना, मैं जब बहुत छोटा था और आड़े वगड़ते बिटूड़े ओड़ा दरवाजे तक आगे आगे हकड़ता मुकाम, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, रामपाल भी जब नौजवान था और डीएन कॉलेज में एक बच्चा पढ़ता था, हमारे से जूनियर था, एक बुजुर्ग कहने लगे भाई ये मेरे हाथ में कोई नहीं, यह बोर्ड से मैं नहीं टोकता किसी नेता को। तो मैंने कहने लगे ले मैं ऊंचा उठ लूंगा थोड़ा। मुझे कहने लगे वे जेपी भीतर मराज पे थे, बोला भाई तेरे गलत मानस तो एक कोई तू जीतेगा कुकर, मैं कहीं मैं जंगल में ले आया हूं, तारे किसी का पोता है, किसी का बेटा है, किसी की बुआ वोटर, किसी की माँ वोटर, किसी की दादी वोटर, और मां सुन लो मेरी बात, आप वोट दे दियो। बोला देखूंगा। राजेंद्र शर्मा था हमारा प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी का, हमारा शर्मा पूछिए किसका है, बोला सर दादा इसका पोता डीएन कॉलेज में पढ़ा है, मैं तड़के ला, तड़के दादा ने ले आवे, बोले वो सारा कुंबे की तेरी पक्की बड़का पेंडा छुड़वा है। तब जाए तो उस वक्त मैं जवान था, या तो मैंने उस दिन नौजवानों का हौसला देखा है या मुझे आज देखे 69 वर्ष की उम्र, आज भी नौजवानों में उतना ही मेरे प्रति प्यार है जितना उस वक्त था। क्यों बोल रहा? अब मैं एक बात कहूंगा भाई, लंबा सफर है, सारा काम सुना है, हर चीज का आपको पता है। दो उम्मीदवार आपके सामने हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन का, जनता का, जनता का उम्मीदवार है जयप्रकाश, और भाजपा का उम्मीदवार है छापे मार रणजीत सिंह। तारे भी लागे होंगे छापे। आदमपुर में 1.5 साल रिंगाया दी जनता, मेरा 5 बजे टेलीफोन बजता, मना मरे बेटे आगे बिजली आ रहे, मेरा फोटो बना लेगे, वीडियो बना लेगे, गदर मचाया हुआ था। अब मेरा पेटे नहीं बस दांडे बिछोड़े मेरे को। तो दो उम्मीदवार हैं, फैसला आपने करना। मैं तो ये कह सकता हूं, हमने संविधान को बचाना है, हमने देश को बचाना है, हमने प्रजातंत्र को बचाना है। अगर प्रजातंत्र चला गया तो माइक जेपी का हाथ में नहीं होता, जेपी भी ना बिठा होगा, जरा केजरीवाल रहे मैं चुनाव में बिठा रहे, ऐसे लोगों के हाथ में लोगों सत्ता थे। मैं MLA था इंडिपेंडेंट, जब ये पुलवामा हुआ कहने लगे बोला जी सर्जिकल स्ट्राइक कराई है सरकार ने, हम इसका धन्यवाद करते हैं। आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार मुझे पीड़ा है, हर किसी नौजवान को पीड़ा होनी चाहिए, हमें तकलीफ थी सर्जिकल का स्वागत, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा में हमारे भाई शहीद हुए, क्या आज 6 साल से उनकी इंक्वायरी हुई? इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना बड़ा कांड हुआ, नुकसान हुआ, तो इंक्वायरी हुई? भावनात्मक तरीके से जो लोग लोगों वोट लेके चले जाएंगे वो आपके इतिहासी नहीं होंगे। आज मैं कह के जा रहा हूं मंदिर के सामने, आश्रम के सामने, जिस दिन आप हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की सरकार और यहां से जयप्रकाश को चुनाव जितवा करके भेजेंगे, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने फैसला किया है, हम इस बीमारी जो नौजवानों के लगे जवानी में अग्निवीर योजना बंद करेंगे। दूसरा, हमारी मातृशक्ति बैठी है, आज तक बहुत मान सम्मान जो कुछ समाज है इनके बिना नहीं, जरूरत हो तो इन्हें लक्ष्मी कह दिया,
इंदिरा जी ने जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। ये बात अलग है कि आज इंदिरा जी को गाली दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, सोच छोटी है। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाओ हर घर में एक महिला के खाते में 1,00,000 रुपये साल के सीधे जाए। भारत सरकार हुड्डा साहब ने ऐलान कर ही दिया, अरब पाठाड़ा तो बेरा जो कह दे कर दे है। 2004 में नूले जेपी बुटा, और याद होगा मैं पीपड़ा पे तो बुट्टा भी गया था, और मैंने भी कहा था मैं एमपी का जो जुगाड़ गया बन आवा भी जुई जुई पानी आ जाएगा। बात बड़ी वाजिब थी, और इस तरह का काम नेताओं के खिलाफ करना चाहिए। आज ये बार बार सारे दिन सारा कुंबा मन गाड़ देवे तड़के दरा तो लग तीनों गुणगर है तो एक कुत्ता मर जो सड़क पे कि जेपी मार गया जेपी मार गया। भाई और बात कर लियो मेरे पास क्यों पड़ रहे हो तुम, अच्छा करते थे कहना धक्के खाने पड़ते। हुड्डा साहब ने अच्छा किया, सारा गांव प्रशंसा करता। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी हुड्डा साहब ने कहा कि कुर्सी पर बैठते 6,000 रुपये बिना दूंगा, कोई तारीख नहीं कोई डेट नहीं, पहला दिन हर गरीब आदमी को हर भूमिहीन को जिसके जमीन नहीं कोई जा एससी को बीसी को 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे। अरे छापे मारी तो पेंडा छुटावांगे भी छोरे हंसेंगे। 300 यूनिट तो चलाइयो कूलर तो टुकड़े, और भाई एसी का स्वाद लोगे जो थोड़े पीछे देने पड़े, चोरी निकलने की लोड़ पड़ेगी लोगों इस इतना पैसा लेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी इज्जतदार आदमी के रात को 2 बजे सुबह 3 बजे सुबह 4 बजे डाकुओं की तरह परेड आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, इस गांव का एक आदमी कह दो कभी हमने किसी के रेड कराई, गदर मचा है वह सरकार। आज रणजीत सिंह वोट मांगे उसको तो पानी का गिलास नहीं देना चाहिए इस तरह के निर्दयी आदमी ने। बालक सोते हो बटे न्यूज आवा तो को डाकू आके कोठिया को बचा। नंबर 3, हम आपको देंगे, अरे भाई एक मिनट, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। नौजवानों को कौशल रोजगार निगम बंद करेंगे और पक्की नौकरी देंगे, 2,00,000 नौकरी देंगे। और जो कौशल रोजगार निगम में लगे हैं हम किसी भाई को उठाएंगे। हमारे खिलाफ एक प्रचार करते हैं जब हम आपकी बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि किसान जवान मजदूर आज किसे जेजेपी बीजेपी आने के हाथ खुलवा लो सारे किसान के खून तक सने पड़े। हमने फैसला लिया आपकी बात माननीय अधिवेशन में, हमारी सरकार आएगी एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो उसमें रिकमेंडेशन है C2+50% मुनाफा हम आपको देंगे, और जो उसको नहीं मानेगा उसमें सजा का प्रावधान करेंगे। एक कहन लागी बुढ़िया बोली भाई जेपी काल उचाना में बोला मैं आए थे नोले तारा राशन बंद करेगी कांग्रेस आंधे माता कपत्या ने कह दिए। ये हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1972 में इस देश के गरीब आदमी जब भूख से मर रहे थे तब लागू किया था। हम 70 रुपए का 35 किलो देते थे, इसमें रुपये कमाते हैं 10 रुपये का तो मुफ्त दे दिया, और बाकी 625 रुपये कमा के 30 रुपये के बाद में वह कौन देगा, 10 का तार दे के 625 उन्होंने कमाए। हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे, हम बाजरा 5 की बजाय 10 किलो देंगे। एक कड़ा जाएंगे 2-10 किलो भी तो राजघाट में रह रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हो मैं बात, लोगों भावना में बह करके 2019 में ऐसी सरकार आपने बनाई, आज हमारे अलग अलग दलों के नेता बिना कसूर के जेलों में पड़े। क्या कसूर था केजरीवाल का, हेमंत सोरेन एक दलित समाज का बेटा गरीब का बेटा बिना कसूर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल बोला कसूर क्या है, बोला जी बस इसमें पीएमएलए लाई थी, वह तो पीएमएलए लाई
या लागणी जी अपना लगे भी बची आई यो नूडर गया चुनाव आ गया तो हम कट्ठे हो गए कदे सारे केजरीवाल भी हरियाणा का यू भी भाई सारे कट्ठे हो गए कदे दिल्ली नहीं रिले वरना को हालत नहीं है राज नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है 1989 में इस गांव ने मेरे हिसाब से 90% वोट दिए थे 90% सारे परिवार सारे परिवार दिखे चाहे कोई मुझसे नाराज हुआ चाहे मैं किसी से नाराज हुआ आज मुझे खुशी इस बात की है मेरे 36 साल के राजनीतिक जीवन में जो MP पहली बार बना था आज भाटड़ा गांव का 36 जात का हर आदमी यहाँ खड़ा है चाहे उसका परिवार का खड़ा है तो भाई मेरा भी काम इनका चाह लीजिएगा MLA मिल लो तो मैं बन जू MP में रोला पड़ जाए मेरे सिर के ऊपर अलग अलग समाज के साथियों ने पगड़ी बांधी विशेष तौर से मुझे आशीर्वाद मिला ब्राह्मण समाज अरे दादा का आशीर्वाद मिले पास से तो पो बारा है उसे आप ये कबीर वैसे तो नहीं कबीर पंथी तो हम करने को नहीं आते ये ठीक है तो ये साथी अभी आए हैं हमारे ये भी सारे समाज की चिट्ठी लेके आए खुशी है इब कह ईसा काम कर दो ना परचड़ी तो हमने तो देनी है को रूस रहा हो तो मैं पैर पकड़ने पड़ो मैं मनाऊंगा इब के सारा काम एक तरफा कर दो तो हमारे बाल को थारी उम्र में मैं बहुत ठीक ठाक था में तो हम JP बन गए को बारा हो गई भाई दाने स्वाद की तरफ से जय पार्टी के नेतृत्व में ठीक हो रहा भाई कुलदीप पंचर जी और लैंड सोमवीर पंचर जी मनोज जी पंडित जी कुमार जी दिलीप सिंह जी बलजीत सिंह जी।